पर्यटन नगरी धर्मशाला के पीक टूरिस्ट सीजन में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से नगर निगम टैक्स नहीं वसूल पाया है। नगर निगम धर्मशाला ग्रीन और सैनिटेशन टैक्स के फेर में ही उलझकर रह गया है। निगम के हाउस में 5 माह पहले प्रस्ताव पारित करके सैनिटेशन टैक्स के नाम पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से 60 से 200 रुपए उगाही करने का प्लान बनाया था, लेकिन 5 माह बाद ही योजना फाइलों से धरातल पर नहीं उतर पाई है। ऐसे में निगम की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। बाहरी पर्यटकों की एंट्री के लिए नगर निगम धर्मशाला के 4 एंट्री पॉइंट पर 4 स्थानों में बैरियर लगाने प्रस्तावित थे, लेकिन बिना टैक्स ही हर दिन देशी विदेशी पर्यटक गाड़ियों में प्रवेश कर रहे हैं। इसके कारण नगर निगम धर्मशाला को अभी तक लगभग 1 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। अब प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी को मात्र योजनाओं को बनाए जाने के नाम से ही जाना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ में पैराग्लाइड साइट बीड बिलिंग में पहुंचने वाले पर्यटकों से ग्रीन टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है। नगर निगम धर्मशाला की योजना में के कई माह बाद बैजनाथ प्रशासन की बनाई योजना सिरे चढ़ गई है, लेकिन नगर निगम धर्मशाला अब तक आंखें मूंदे किसी बड़े चमत्कार होने का इंतजार कर रहा है। कॉर्पोरेशन हाउस में ये प्रस्ताव पारित किया था कि जो बाहर की गाड़ियां आएंगी उनसे सैनिटेशन सेस लिया जाएगा, जिससे कॉर्पोरेशन की इनकम जो बननी थी। और 4 महीने पहले हमने ये हाउस में रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की नहीं है अधिकारियों ने। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने बोला हम इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो अभी तक कॉर्पोरेशन को 1 करोड़ रुपए की अभी तक इनकम हो जानी चाहिए थी। सर, इसको आप प्रशासनिक नाकामी मानते हैं या फिर राजनीतिक भावना से? ये प्रशासनिक नाकामी ही समझा जाएगा।